Hello, students. Good morning. Welcome to SS only classes. Students, today it's an English language turn, and today we are going to start our new chapter of our English language book, Codenstone, in our today's class. And the number of this new chapter is chapter 3, and the name of this chapter 3 is capital letters, full stop, and question marks. Okay. So, all students, will special attention to class and listen to my words clearly because today we will read about capital letters, full stop, and question mark in our today's class. Okay. So, all students, look at the piece number 8. चैप्टर नंबर इज चैप्टर थ्री एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर थ्री इज कैपिटल लेटर्स फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क्स कैपिटल लेटर्स इट्स मीन होता है अपर केसेस बड़े अच्छे फुल स्टॉप एंड मीन ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इट्स मीन प्रश्न वाचक चीन ओके सो स्टेंट्स इन इंक्लूडिड दिसप्टर थ्री वी विल रीड अबाउट कैपिटल लेटर्स फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स चैप्टर थ्री के अंतर्गत हम बड़े अच्छा पूर्व विराम और प्रश्नवाचक चीन के बारे में रीड करेंगे ओके सो लुक लेली लर्न लर्न मीन सीखिए लुक एट डीज पिक्चर्स रीड दिसज ओके लुक एट मीनस देखिए दिस मीस इन पिक्चर्स मीन तस्वीरें चेट लुक एट दिस पिक्चर्स इट्स मीन इन तस्वीरों को देखिए रीड दि सेटेंसेस रीड मीस पढ़िए देंटेंसेस इट्स मीन वाक्य रीड देंटेंसेज इट्स मीन वाक्यों को पढ़िए ओके सो लेट्स रीड देंटेंसेज फर्स्ट नंबर सेंटेंसिस हु इज दिस गर्ल ओके हु कॉन इट्स मीस है दिस मीस है गर्ल मीस लड़की हु इज दिस गर्ल ये लड़की कौन है ओके okay.

सन इज रिप्लाइंग टू इज़ फादर डाट दिस इज़ सलीमा जो बेटा है उन्होंने क्या किया अपने फादर को आंसर किया कि दिस इज सलीमा ओके सो स्टेंट वी गज इन दिस पिक्चर ही इज़ ओके हीज़ फ़ादर ये पिताजी है ओके okay. इस बेटे के पिताजी है ओके okay. और ही हीज सन ओके ये एक बेटा है क्लियर सो स्ट्रेंड्स यहाँ कन्वर्सेशन चल रही है एक फ़ादर और एक सन के बीच में क्लियर तो दिस इज सलीमा ये सलीमा है ओके okay. लेट्स रीड नेक्स्ट सेंटेंस योर नेक्स्ट सेंटेंस इज इट्स सी इन योर स्कूल ओके इट्स इन योर स्कूल इट्स मीन इट मीन्स है ओके सी मीस वे ओके इन मिस मे योर मीस तुम्हारी आपके ओके स्कूल मीस विद्यालय इट्स इन योर स्कूल इट्स मीन वह आपके स्कूल में है ओके इट्स मीन हेयर द मीन ऑफ दिस सेंटेंस दैट डी रीड इन योर स्कूल क्या वह आपके स्कूल में पढ़ती है ओके तो नाउ फादर आस्किंग अवर सेकेंड क्वेश्चन ओके टू हिज सन अब जो फादर हैं वो अपना सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं अपने बेटे से ओके नाव सन इज रिप्लाइंग टू हिज फादर ओके जो बेटा है वो अपने फादर को रिप्लाई करा है यथ सी इट इन माई स्कूल ओके यस सी इज इन माई स्कूल कि येस मीन्स हाँ सी मींस वे इज मीन्स है इन मीस मे माई मीस मेरे स्कूल मीस विद्यालय ओके यस सी इज इन माई स्कूल इट्स मीन हाँ वे मेरे विद्यालय में ओके सो स्टेंड सी इट सलीमा ओके ये सलीमा है क्लियर तो स्टूडेंट्स लेट्स नेक्स्ट दी सेंटेंसेज स्पोकन बाई फादर आस्क समथिंग ओके इट्स मीन देंटेंसेज इट्स मीन वाक्य स्पोकन मीन्स बोले गए बाय मीस द्वारा फादर मीन पिताजी पूछते हैं ओके समथिंग मींस कुछ इट्स मीन देंटेंसेज स्पोकन बाई फादर आस्क समथिंग कि पिताजी के द्वारा बोले गए वाक्य कुछ पूछ रहे हैं कुछ आस्क कर ओके लेट्स रीड अगेन अगैन देंटेंसेज स्पोकन बाई फादर ओके हु इज दिस गर्ल ये लड़की कौन है इट्स सी इन योर स्कूल क्या ये तुम्हारे स्कूल में इट्स मीन कि डस सी रीड इन योर स्कूल क्या ये तुम्हारे स्कूल में पढ़ती है okay. ओके तो जो फादर ने जो सेंटेंसेस बोले हैं जो पिताजी ने जो सेंटेंसेस बोले हैं ना तो ये कुछ आस्क कर रहे पूछ रहे है नू इज़ दिस गर्ल ये लड़की कौन है आस्क कर रहे हैं ना पूछ रहे इज सी इन योर स्कूल क्या ये तुम्हारे स्कूल में है ना आस्क कर रहे तो दिस सेंटेंसेज स्पोकन बाई फादर समथिंग पिताजी के द्वारा बोले गए वाक्य कुछ पूछ रहे हैं सच सेंटेंसेस आर नोन एज क्वेश्चन ओके सच सेंटेंसेस इट्स मीन ऐसे वाक्यों को ओके आर मीस है नून मीन जाना जाता है एज मीनस की तरह ओके क्वेश्चन मीस प्रश्नों के तो सच सेंटेंसेस एज नोन एज क्वेश्चन ऐसे वाक्यों को क्वेश्चन की तरह जाना जाता है क्वेश्चन के रूप में जाना जाता है ऐसे वाक्यों को प्रश्नों के रूप में जाना जाता है क्लियर तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई कुछ आस्क कर रहा हो कुछ पूछ रहा जैसे हु इज दिस गर्ल ये लड़की कौन है इट्स इन योर स्कूल क्या ये तुम्हारे स्कूल में ओके जैसे मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज योर नेम आपका नेम क्या है हाउ ओल्ड आर यू कितने साल के व्हाट योर फेवरेट कलर आपका फेवरेट कलर क्या व्हाट इज फेवरेट इज आपकी फेवरेट टीस क्या तो so, क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो ऐसे वाक्य जो कुछ आस्क करे कुछ पूछे तो वो क्या होते क्वेश्चन होते हैं इनमीजे क्वेश्चन मार्क ओके दे ऑलवेज एंड इन क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क्स मींस प्रश्नवाचक चिन्ह ओके तो दे ऑलवेज एंड इन क्वेश्चन मार्क तो ये हमेशा क्वेश्चन मार्क् इंकाइंड होता है ये हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह से समाप्त होते ओके तो स्टूडेंट्स वी कैन सी इन दिस सेंटेंसेस दिस स्पोकन बाय फादर हैज फिनिस्ड विथ क्वेश्चन मार्क ओके ये जो सेंटेंसेस है ये क्वेश्चन मार्क से फिनिश हुए ओके सो स्टेंट्स इट्स अ सैम्बल ऑफ क्वेश्चन मार्क ये क्वेश्चन मार्क का सैम्बल होता है क्लियर टू जैसा है ना एक हुक टाइप का है उसके बिलो uh, एक पॉइंट रखा है ना तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क साइन ओके ये क्वेश्चन मार्क का एक सिंबल होता है क्लियर सो स्टेंट्स ऐसे क्वेश्चन जो कुछ आस करते हैं ओके okay, कुछ पूछते हैं वो हमारे क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन का होता है क्वेश्चन मार्क से एक क्वेश्चन एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ समाप्त होता है दी सेंटेंस एज स्पोकन बाई समथिंग ओके देंटेंस एज इट्स इन वाक्य स्पोकन मिस बोलिएगा द्वारा दी बॉय मिस लड़के से मिस दिस लड़का ओके सेम मिस कहता है समथिंग मिस कुछ दी सेंटेंसेस स्पोकन बाई दी बाय से समथिंग इट्स मीन लड़की के द्वारा बोले गए वाक्य कुछ कह रहे हैं लड़के के द्वारा बोले गए सेंटेंसेस कुछ बोल रहे हैं कुछ कह रहे हैं ओके सो लेट्स रीड सेंटेंसेस स्पोकन बाई बॉय अगेन दिस इज सलीमा यह सलीमा है यथ सी इज इन माई स्कूल हाँ ये मेरे स्कूल में ओके यस हाँ सी इज इन माई स्कूल वह मेरे स्कूल में ओके दिस इज़ सलीमा यह सलीमा है यथ सी इट इन माई स्कूल हाँ वह मेरे स्कूल में है okay? ओके तो ये जो सेंटेंसेस है ना ये कुछ कह रहे हैं ना तो सच सेंटेंसेस एंड इन फुल स्टॉप्स ओके ये जो सेंटेंसेस है ना तो सच सेंटेंसेज सेंटेंसे, इट्स मीन ऐसे वाक्य एंड मीन समाप्त होते हैं एंड मीनस में फुल स्टॉप मीन पूर्ण विराम से ओके तो ऐसे सेंटेंस जो कुछ कहते हैं ओके से समथिंग कुछ बोलते हैं कुछ कहते हैं हमसे तो वो क्या होते हैं हमारे हमारे सेंटेंस होते हैं लेकिन इनका एंड कैसे होता है इनका एंड होता है फुल स्टॉप से होता है पूर्व विराम से होता है अंडरस्टैंड लुक लियली इट्स अ सैम्बल ऑफ फुल स्टॉप ये किसका सैम्बल है फुल स्टॉप का सैम्बल एक ओनली एक पॉइंट होता है एक बिंदी होती है ओके okay? एक बिंदु होती है और इसे हम बोलते हैं फुल स्टॉप क्लियर तो इट्स अ सैम्बल ऑफ फुल स्टॉप इट्स मीन ये पूर्व विराम का सैम्बल है पूर्विराम का छीन है ओके okay? उसका प्रतीक है ऑल डिज सेंटेंसेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर तो ऑल डि सेंटेंसेज ऑल मीन सभी डिस मीस ये सेंटेंस मीस वाक बिगिन मीन शुरू होते हैं विथ मीन साथ में आम मीज एक कैपिटल लेटर इट्स मीन अपर केसेज ओके ऑल दिज सेंटेंसेज बिगिन विथ अ कैप्टल लेटर ये सभी वाक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं अपर केसेस से स्टार्ट होते बड़े अच्छे रोज से स्टार्ट होते हैं तो ये सारे सेंटेंसेस की बीगनिंग ये सारे वाक्यों की आ, शुरुआत किससे होती है कैपिटल लेटर से होती है बड़े अक्षरों से होती है वी कैन सी इन डी सेंटेंसेस। ओके हेयर्स वी यूज कैपिटल डब्ल्यू फॉर हु। ओके हु के लिए हमने कैपिटल डब्ल्यू का यूज़ किया बिकॉज हु इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस ओके ये सेंटेंस uh, का फर्स्ट वर्ड है और जो हेयर्स फर्स्ट लेटर ऑफ हु इट्स डब्ल्यू हु का फर्स्ट लेटर डब्लू है ना इसलिए हमने डब्ल्यू को कैपिटल लेटर में यूज किया क्लियर एंड हेयर वी यूज़ कैपिटल आई ओके फॉर एज बिकॉज इस इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस सेंटेंस ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर आई है क्लियर तो इसलिए हमने आई को कैपिटल लेटर में यूज़ किया है एंड हेयर्स वी यूज़ कैपिटल टी फॉर दिस वर्ड दिस बिकॉज हेयर टी इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस सेंटेंस ये जो सेंटेंस है दिस इज सलीमा इसका फर्स्ट लेटर क्या है टी है ओके एंड हेयर्स वी यूज कैपिटल वाई फॉर दिस सेंटेंस बिकॉज इन दिस सेंटेंस यस इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस एंड वाई इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड यस वाई क्या है इस वर्ड यस का फर्स्ट लेटर है तो हमने वाई को कैपिटल लेटर में यूज़ किया तो हमारे सेंटेंसेज जो होते वाक करते वो चाहे एक क्वेश्चन हो या एक आंसर हो ओके डज नॉट मैटर कि उसका वर्जन क्या है उसका रूप क्या है ओके okay? वो क्वेश्चन है आस्क कर रहा है कुछ या कुछ से uh, समथिंग कुछ बोल रहा है ओके सेइंग समथिंग कुछ बोल रहा है या आस्किंग क्वेश्चन या क्वेश्चन कर रहा है ओके डज नॉट मैटर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हम क्या करते हैं अगर कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन हो या आंसर हो ओके okay? हम क्या करते हैं उसकी स्टार्टिंग हमेशा उसकी बिगनिंग हमेशा कैपिटल लेटर से करते बड़े शो से करते और क्वेश्चन अगर कोई क्वेश्चन है ओके okay? कोई कुछ आस्क कर रहा तो है, है तो उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं एंड अगर कोई सिंपल सेंटेंस है तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं ओके सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक कैपिटल लेटर्स फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक कैपिटल लेटर्स फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस ओके okay, क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्लियर नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ओ ऑफ दिस चैप्टर इन फैर एग इज नो लो ओके सो लेट्स सी योर एक्सरसाइज ओ इज आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर मीस उत्तर दीजिए दी फॉलोइंग डिम्बलीड क्वेश्चन मीस प्रश्नों के आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इट्स मीन मीनिकेड प्रश्नों के उत्तर दीजिए ओके सो लेट्स सी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ओ यो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ओ इज व्हाट इज अ कैपिटल लेटर व्हाट मींस क्या इट मींस है ए मींस इ कैप्टल लेटर इट्स मीन बड़ा अच्छा ओके वॉट इज अटल लेटर इट्स मीन बड़ा अच्छर क्या ओके सो स्ट्रेंड्स यू फर्स्ट नंबर आंसर इज अटल लेटर इज अग लेटर दे स्टैंड टॉल ओके अट्टल लेटर इट्स एक बड़ा अच्छर ओके बड़ा लेटर मीन अच्छर अपट्टल लेटर इज अग लेटर इट्स मीन एक बड़ा जो काटल लेटर होता है वो एक बिग लेटर होता है एक बड़ा अक्षर होता है ओके दे स्टैंड टॉल हेयर द मीन ऑफ दे मीज वे स्टैंड टॉल हेयर द मीन ऑफ स्टैंड टॉल दैट ड राइज करना ओके इट्स मीन की बोल सकते हैं हम कि वे सिर उठा के खड़े होते ओके स्टैंड टॉल करते इट्स मीन हेड राइज करके स्टैंड होते क्लियर तो कैपिटल लेटर इज़ अ बिग लेटर दे स्टैंड ऑल इट्स मीन कैपिटल लेटर बड़े अक्षर होते बिग लेटर होते और ये स्टैंड टॉल होते इट्स मीन कि हेड राइज करके स्टैंड होते सिर उठा के स्टैंड होते सिर उठा के खड़े होते क्लियर लेट्स सेकंड नंबर क्वेश्चन योर सेकंड नंबर क्वेश्चन इज राइट इंग्लिश अल्फाबेट इन कैपिटल लेटर्स ओके इट्स मीन अंग्रेजी की वर्ड को बड़े अक्षरों में लिखिए ओके सो स्टूडेंट्स लेट्स सी सेकेंड नंबर आंसर एंड लुक लली ऑल डीज लेटर्स इन कैपिटल लेटर्स सारे लेटर्स कैपिटल लेटर्स में हैं। ओके सो लुक लली का ए बी सी डी ई एफ डी एच आई जे, के एल एम एंड ओ पी क्यू आर एस टी यू वी

प्रदर्शित करता है तो रिप्रेजेंट मीन्स प्रदर्शित करता है फुल स्टॉप मीन्स पूर्व विराम तो एक पीरियड या एक फुल स्टॉप क्या रिप्रेजेंट करता है एक पूर्ण विराम या एक पीरियड क्या प्रदर्शित करता है योर थर्डमांसर इज़ अ पीरियड और फुल स्टॉप रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट पुरस वाइल रीडिंग अ सेंटेंस ओके तो जब हम एक सेंटेंस को रीड करते हैं एक वाक्य को पढ़ते हैं तो जो एक फुल स्टॉप होता है ना एक पूर्ण विराम होता है ये ग्रेटेस्ट पुरस्ट को रिप्रेजेंट करता है एक आ, सबसे बड़े आ, रुक आ, रुकने को हमें बोलता है ओके okay? सो लेट सी एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये दिस इज दास्ट ऑफ मिस्टर एंड मिसिज क्रो ओके दिस इज दास्ट ये नेस्ट है यह घोसला है मिस्टर और मिसिस क्रो का इट्स मीन श्रीमान और श्रीमती कौे का ओके दिस इज द नेस्ट ऑफ मिसटर एंड मिसिस क्रो इट्स मीन यह श्रीमान और श्रीमती कोवे का घोसला है क्लियर सिस वी कैन सी डैट दिस सेंटेंस हैज़ फिनिश्ड विथ फुलटॉफ ये जो सेंटेंस है ये फुल स्टॉफिस का एंड हुआ है क्लियर तो स्ट्रेंड्स जो सेंटेंस का जो सेंटेंस की हमारी एंडिंग होती है सिंपल सेंटेंस की हमारी एंडिंग फुल स्टॉप से होती है पूर्ण विराम से होती है और ये क्या करते हैं ग्रेटेस्ट उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक रुकने को हमें बोलते हैं ओके okay? एक महान रुकावट को शो करती दिस इज द नेस्ट ऑफ मिस्टर एंड मिसेस क्रो इट्स मीन श्रीमान और श्रीमती कोवि का घोसला है ओके अब यहाँ पे हम स्टॉप हो गए ना क्लियर तो जो फुल uh, स्टॉप होता है ये एक ग्रेटेस्ट बुस्क को रिप्रेजेंट करता है लेट्स सी फोर नंबर क्वेश्चन फोर नंबर क्वेश्चन इज वट इज द सैम्बल ऑफ अ पीरियड और फुल स्टॉप इट्स मीन कि एक पीरियड या एक फुल स्टॉप का सैम्बल क्या होता है ओके okay? एक पूर्व विराम या एक पीरियड का सैम्बल क्या है क्लियर तो स्टैंड यू फोर नंबर आंसर इज द सैम्बल ऑफ अ पीरियड और फुल स्टॉप इज़ फुल स्टॉप क्लियर तो फुल स्टॉप या एक पीरियड का साइनबॉल स्टेंट्स ये होता है क्लियर अ पॉइंट होता है एक पॉइंट होता है जिसे हम फुल स्टॉप का साइन बोलते हैं जिसे हम फुल स्टॉप बोलते हैं क्लियर पूर्ण विराम बोलते हैं लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर इज डज अ क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट वट मीनस क्या डज इट्स योर प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म आर आर्मी से क्वेश्चन मार्क मार्क्स प्रश्नवाचक रिप्रेजेंट मीस प्रदर्शित करता है वट डज अ क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट एक प्रश्नवाचक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है योर फिफ्थ नंबर आंसर इज अ क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट्स अ क्वेश्चन द सॉरी अ क्वेश्चन मार्क इट्स मीन एक प्रश्नवाचक रिप्रेजेंट्स मीस प्रदर्शित करता है आम इसे क्वेश्चन प्रश्न ओके अ क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट्स अ क्वेश्चन इट्स मीन एक प्रश्नवाचक चिन्ह एक प्रश्न को प्रदर्शित करता है क्लियर ऐसे सेंटेज जिसमें कुछ आस्क किया जा रहा है कुछ पूछा जा रहा है okay. ओके तो वो क्या होते हैं हमारे क्वेश्चन होते हैं क्लियर वो हमारे प्रश्न होते हैं फॉर एक्जाम्पल वाई आर मिस्टर एंड मिसेस क्रो क्राइंगू

कि क्वेश्चन किया जा रहा है ओके okay? कि मिस्टर एंड मिसेस को क्यों क्राई कर रहे हैं क्यों चिल्ला रहे हैं ओके श्रीमान और श्रीमती का क्यों चिल्ला रहे क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो स्टूडेंट्स ये आपका एक क्वेश्चन और जो क्वेश्चन होता है ओके okay, जो क्वेश्चन मार्क होता है वो एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है क्लियर लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सिक्स विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज हो ओके यो सिक्स नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिंबल ऑफ क्वेश्चन मार्क इट्स मीन क्वेश्चन मार्क का सिंबल क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रतीक क्या है ओके सो स्ट्रेंट योर आंसर इज दिस सिंबल ऑफ क्वेश्चन मार्क इज ओके okay. एक हुक टाइप का है ओके okay. तो ये है आपका क्वेश्चन मार्क का सैंबल ऑफ क्वेश्चन मार्क इज क्वेश्चन मार्क्स क्वेश्चन मार्क का क्या है लुक so, एक हुक टाइप का होता है इंड उसके ब्लू हम पॉइंट को पुट करते ओके okay? तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क सैम्बल ये क्वेश्चन मार्क का एक सैम्बल है क्वेश्चन मार्क का एक चीज है क्लियर लेट्स एक्साम्पल ऑफ दिस आंसर नंबर सिक्स वेयर इज द नेक्स्ट वेयर इट मीस कहा इट मीनस है इट इट्स योर प्रेजेंट कंटिन्यूस टैस हेल्पिंग व इन सिंगुलर फॉर्म द नेक्स्ट एंड ई एस टी ने घोषला वेयर इज द नेक्स्ट इट्स मीन घोषला कहां है okay. एंड वी कैन सीटेंस सेंटेंस एंड विद क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है ना तो जो क्वेश्चन मार्क् होता है उसका सैम्पल ये होता है क्लियर सो स्ट्रेंड्स वी हैव सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन एंड आई होप यू मस्ट है ओ यू हैव नो प्रॉब्लम इन एनी आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज हो क्लियर सो स्ट्रेन टू दिस क्लास वर्क इज दैट नो डाउन एक्सरसाइज ओ ऑफ दिस चैप्टर थ्री

क्वेश्चन विद योर बेस्ट हेड नाइटिंग इन योर फैन इंग्लिश लैंग्वेज नोट बुक इट्स टू डेज क्लास ओके आपका क्लास वर्क है आपका सारे क्वेश्चन करने एंड स्टैंड आपका होमवर्क आपको सारे क्वेश्चन लर्न करने ओके अपनी फैल इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक्स एंड आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम फॉर लर्निंग ऑल दिस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर थ्री बिकॉज आई वी एक्सप्लेन यू ऑल आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज ओके सो आई थिंक इट्स नॉट मोर वर्क ओके सो स्टेंट्स फर्स्टली कंप्लीट हो क्लास वर्क Uh, complete exercise. Oh, I mean to say that note down exercise. Oh, answer the following questions of this chapter 3 in your Fair English Language Notebook and send me a work here. Thank you.